आगामी 5 दिवस जामशे धमधोकार चौमासु। हवामान विभागे आगाही करी छे कि राज्यना मोटा भागना विस्तारों में वरसादी माहौल रहेशे अने केटलाक विस्तारों में धोधमार वरसाद पड़शे। 5 दिवस भारे, गुजरात में 5 दिवस भारे वरसादनी आगाही। मोटा भागना विस्तारों में पड़शे धोधमार वरसाद। जुलाई महीना में राज्य में मेघराजाए धड़बड़ाटी बोलावी छे। छेल्ला एक अठवाडियाथी मोटा भागना विस्तारों में वरसादी माहौल छे अने आगामी 5 दिवस में अनेक भागों में भारे वरसाद पड़वानुं हवामान विभागनुं अनुमान छे। केटलाक दिवसथी दक्षिण गुजरात में मेघो मेहरबान छे त्यारे हजी पण दक्षिण अने उत्तर गुजरात में भारे वरसादनी आगाही छे। नवसारी, वलसाड, सूरत, तापी अने डांग सहित विस्तारों में धोधमार वरसाद पड़ी शके छे। गुजरात रीजन में मोस्टली अगले 5 दिन में अच्छी खासी बारिश रहेगा। मोस्टली उसका स्प्रेड अच्छा रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। जो हेवी रेन होने का संभावना है अगले 4 दिन में मोस्टली साउथ, एक्सट्रीम साउथ गुजरात रीजन में, जैसे वलसाड, नवसारी, दमण, दादरा नगर हवेली, डांग, तापी, सूरत भी हो सकता है। सौराष्ट्र कच्छ में पण भारे वरसादनी आगाही। चोमासानी शुरुआत में ज अमरेली, गीर सोमनाथ सहित सौराष्ट्र में सारो एवो वरसाद वरस्यो। हवे बीजा राउंड में पण सौराष्ट्र अने कच्छ में नोंधपात्र वरसाद थई शके छे। 23मी जुलाईए राज्य पर एक सिस्टम बनशे जे सौराष्ट्र अने कच्छ ने घमरोड़ी शके छे। सौराष्ट्र कच्छ में मतलब अगले 4 दिन में कुछ कुछ जगहों में बारिश मिलने का संभावना है। आज लेकिन मेनी प्लेसेस में बारिश मिलेगा और डे 5 के लिए भी मेनी प्लेसेस में बारिश मिलने का संभावना है और डे 5 के लिए हेवी रेनफॉल इवन नॉर्थ गुजरात रीजन में भी होने का संभावना है। विभू पटेल, न्यूज 18 गुजराती, अहमदाबाद। गत वर्ष करता आ वर्षे वरसाद प्रमाण में ओछो छे, जो कि छेल्ला अठवाडियाथी सारो वरसाद थई रह्यो छे, तेम छतां राज्य में वरसादनी घट छे। गुजरात में छेल्ला एक सप्ताहथी वरसादी माहौल जाम्यो छे। अषाढ़ में अनराधार वरसादे दक्षिण गुजरात ने पाणी पाणी करी दीधो। डेमो में पाणीनी आवक वधी, डांग जिला में पड़ेल वरसादना पगले अंबिका नदी बे कांठे वहती थता मदर इंडिया डेम छलकायो तो सूरतना रांदेर अने कतारगाम ने जोड़तो कोजवे भयजनक सपाटी वटावता वाहन व्यवहार माटे बंद करायो। सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात में सारो वरसाद थई रह्यो छे, तेम छतां गुजरात में वरसादनी खट छे। कच्छ में 2021 में 26.66% वरसाद थयो, ज्यारे के 2020 में 83.53% वरसाद हतो। उत्तर गुजरात में हाल 18.84% वरसाद छे, ज्यारे के 2020 में 22.31% वरसाद थयो। पूर्व मध्य गुजरात में 20.29% वरसाद थयो छे, 2020 में जे 23.35% हतो। सौराष्ट्र में 23.64% वरसाद थयो, जे 2020 में 64.99% हतो। दक्षिण गुजरात में 27.33% वरसाद थयो छे, ज्यारे के 2020 में तेनाथी ओछो हतो, एटले के 23.15%। गुजरात में सरेराश 23.79% वरसाद थयो छे, जे 2020 में 35.70% हतो। सौथी ओछो वरसाद उत्तर गुजरात में जोवा मळ्यो छे। बनासकांठाना थरात में 7.23% वरसाद, गांधीनगरना दहगाम में 6.8% वरसाद, दाहोदना धनपुर में 6.81% वरसाद। दक्षिण गुजरात में सारो वरसाद छे, तेम छतां तापीना नीजर में मात्र 6.33% वरसाद नोंधायो छे। जो कि हवामान विभागे आगाही करी छे कि आगामी 5 दिवस सारो वरसादी माहौल रहेशे। दक्षिण गुजरातना नवसारी, वलसाड, तापी, सूरत सहित विस्तारों में भारे वरसाद थशे। 23 जुलाईए बंगाळनी खाड़ीमां फरी लो प्रेशर सक्रिय थशे, जेना कारणे गुजरातमां वरसादनी एक्टिविटी वधशे। गुजरात रीजन में मोस्टली अगले 5 दिन में अच्छी खासी बारिश रहेगा। मोस्टली उसका स्प्रेड अच्छा रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। जो हेवी रेन होने का संभावना है अगले 4 दिन में मोस्टली साउथ, एक्सट्रीम साउथ गुजरात रीजन में, जैसे वलसाड, नवसारी, दमण, दादरा नगर हवेली, डांग, तापी, सूरत भी हो सकता है। एंड डे 5 को रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ने का संभावना है। पूरे गुजरात रीजन में मोस्ट प्लेसेस में बारिश रहेगा। ચોમાસુ આવતા જ સુરતના કેટલાક વિસ્તારોના લોકોની ઊંઘ હરામ થઈ જાય છે। ખાસ કરીને ખાડી વિસ્તારના લોકો પર એવી તો આફત આવે છે કે દિવસોના દિવસો સુધી ઘરમાં કેદ થઈને રહેવું પડે છે।
સુરતનો ખાડી વિસ્તાર કેટલાક દિવસથી પાણીને કારણે પરેશાન છે। ખાડી વિસ્તારમાં આવેલા સનિયા અહેમદ ગામના દ્રશ્યો છે। જેમ જેમ વરસાદ વરસતો રહે છે તેમ તેમ અહીં રહેતા લોકોની મુશ્કેલી મૂશળધાર બનતી જાય છે। કેટલાક દિવસોથી અહીંના લોકોને પાણી વચ્ચે જ જીવન ગુજારવું પડ્યું। લગભગ 48 કલાકથી લોકો ઘરોમાં કેદ છે। જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ માટે સાત સમંદર પાર કરવા જેવી સ્થિતિમાંથી લોકોને પસાર થવું પડે છે। મુશ્કેલી અહીંથી જ નથી અટકતી। કામરેજ અને બારડોલીમાં સતત પડેલા વરસાદથી ખાડીએ ભયજનક સપાટી વટાવી છે। ઘર આંગણું પાણી પાણી થઈ જતા 5000ની વસ્તીવાળા ગામમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે। પહેલા તબક્કાના વરસાદમાં જ શહેરની ખાડીમાં પૂર સંકટ તોડાતું નજરે પડ્યું। ખાડીઓમાં પાણી ઓવરફ્લો થતાં જ કુંભારિયા ગામનું બસ સ્ટેશન પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું। લોકોના ઘર અને ગાડીઓ પણ પાણીના હવાલે હોવાના ભયજનક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। ગયા વર્ષે પણ આ જ વિસ્તારમાં 18 દિવસ સુધી જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। ખાડી વિસ્તારમાં આવેલા પર્વત પાટિયા પર પાણીએ પહેરો જમાવીને રાખ્યો હતો। જોકે તંત્રએ ભરાયેલા પાણીના નિકાલની કામગીરી હાથ ધરી છે। પાણીના નિકાલ માટે પંપ મુકાયા, પરંતુ છતાં અહીંના લોકો માટે સ્થિતિ આસાન નથી। કારણ કે પાણી ઓસર્યા બાદ કાદવ અને ગંદકી વચ્ચે રહેવા માટે લોકો મજબૂર બન્યા છે। સુરતી લાલાઓની મુશ્કેલી અહીંથી જ નથી અટકી રહી। ભયજનક સપાટી વટાવી દેતા સુરતના રાંદેર અને કતાર ગામને જોડતો કોઝવે બંધ કરવો પડ્યો। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી નદીમાં જળસ્તરે 6 મીટરની સપાટી વટાવી દીધી, જેના કારણે કોઝવે બંધ કરવાની ફરજ પડી। કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત।